देखिए सिंह साहब, सबसे पहले तो दो बात मुझे आपसे जाननी है कि सुरेश्वर सिंह ने जो एफआईआर की है उसके खिलाफ क्या भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल लोग जाके उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे? दूसरे नंबर की बात, योगी जी जो कहते हैं उत्तर प्रदेश के लिए जो नाराजगी जाहिर की कि आप नेतागिरी करने चले आए, आप बचाव का कार्य नहीं किए, आप हमारे साथ नहीं खड़े हुए। दंगे की बात किसने कहा? दंगे की बात किसने कहा? दिखाइए एफआईआर, आप दिखाइए, प्रत्युष जी को कहिए। अनंत विजय सर, अनंत विजय सर, मेरे ऊपर मतलब उनके ऊपर। अनंत विजय सर, इस एफआईआर का मतलब क्या है? अब तक तो विपक्ष आरोप लगा रहा था, अब बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि जब वो वहां पर गए तो वहां पर उन पर पथराव किया गया, हिंसा की गई, जान से मारने की कोशिश की गई, बहुत मुश्किल से उनकी जान बची, और एफआईआर में नेम्ड एफआईआर में बीजेपी नेताओं के नाम। नहीं, विधायक ने दंगे की बात कहां कही है? प्रत्युष जी वो दिखाइए। अनंत विजय सर, एक मिनट, प्रत्युष जी, एक कहावत है, कौवा कान लेके भागा तो लोग कान के पीछे भागते, मतलब कान ना देखते हैं कौवा के पीछे भागते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में वही हो रहा है। जो सुरेश्वर सिंह की एफआईआर है वो राम गोपाल मिश्र के हत्या के बाद की घटना पर एफआईआर है जी। तो इसलिए ये कहना, अभी एक कांग्रेस के प्रवक्ता का मैं सुन रहा था आपके चैनल पे, वो कह रहे थे राम गोपाल मिश्र को मारने की साजिश थी या सुरेश्वर सिंह को, तो खैर इन सब चीजों पे ना जाइए। एक अर्पित श्रीवास्तव जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष है, उसके खिलाफ सुरेश्वर सिंह ने एक वो किया है, और वो भी क्या पूरे घटनाक्रम को, अगर पूरे तहरीर को या पूरे एफआईआर को आप पढ़ें तो उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बताया है कि जब राम गोपाल मिश्र की हत्या हो गई और उसके शव को लेकर लोग डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तब मैं डीएम और सीएमओ को अंदर से लेकर समझाने आया तो अर्पित श्रीवास्तव ने लोगों को हल्ला करके मेरे ऊपर हमला करवाने के लिए उकसाया और मेरे गाड़ी पर पथरा हुआ। दरअसल हुआ क्या, देखिए लोकल राजनीति चलती रहती है, सब करते रहते, ये लोगों को समझा बुझा रहे थे सुरेश्वर सिंह, और भीड़ उग्र हो रही थी जिसका नेतृत्व अर्पित श्रीवास्तव कर रहे थे, और उनको ये लग रहा था कि ये बेवजह की बीच में बाधा डाल के लोगों को शांत कराना चाह रहे हैं। तो जो लोगों का आक्रोश था उस आक्रोश में सुरेश्वर सिंह बेचारे लिपट गए और उनके ऊपर पथराव हुआ। अब उन्होंने तो लिखा है कि फायरिंग होती रही, ये जांच का विषय है कि कितने राउंड फायरिंग हुई, क्या हुआ, लेकिन एफआईआर के मुताबिक दानिश कुरैशी जी, एक मिनट रुक जाइए, दानिश कुरैशी जी रुक जाइए भाई, चस्पा किए गए वो फैसले थे। तो योगी सरकार के ये जो दोहरे मापदंड है प्रत्युष, ये आपके सामने ही है। बहराइच दंगों के पहले बताओ, बहराइच दोहरे मापदंड को बताओ, अपनी पार्टी का नाम मुसलमानों के नाम पे रख के संविधान को नहीं मानने वाली पार्टी जो ये कहती है योगी मोदी नहीं रहेंगे तो देश को कौन बचाएगा, जो भारत के प्रति सच्ची अनिच्छा को नहीं व्यक्त करना, जो दूसरे देश के प्रति सच्ची अनिच्छा को नहीं पाओगे, मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर अंतर बोलता रहूंगा। एक सेकंड दानिश जी अनंत विजय सर को अपनी बात तो पूरी करने दे। ऐसे दानिश कुरैशी आप बात बताइए ना, नहीं बोल रहा, आप बताइए। एक सेकंड एस एस सिंह जी, दानिश जी, हाँ, अनंत विजय सर काफी देर से खामोशी से पूरे पैनल को उन्होंने सुना, अब उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मुझे मालूम है कि आप कितने ज्ञानी हैं, आपको अपनी पार्टी का नाम तो याद रहता नहीं है, आप उत्तर प्रदेश की घटना योगी और मोदी पर बोल रहे हैं, तो इसलिए और जी न्यूज पर ही आप पार्टी का नाम नहीं बता पाए थे अपनी, इसलिए थोड़ा खामोश रहिए, धैर्य से बात करिए अपनी। मैं ये कह रहा हूं प्रत्युष, ये जो दंगे की बात की जा रही है, दंगे की बातों में सुनिए, आप वरिष्ठ पत्रकार कम और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा नजर आते हैं। हाँ, अब बोलिए आगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सर्टिफिकेट लेकर मैं, आपका सर्टिफिकेट पाकर मैं प्रसन्न हुआ। दानिश कुरैशी जी, ना आप ना आपके सदर दोनों इस हैसियत में हैं कि मुझे सर्टिफिकेट दे सके, इसलिए कृपया चुप, आप अपनी हैसियत बात करिए, आपकी हैसियत मुझे दानिश भाई जैसा सुनोगे वैसा ही पाओगे। आप आप सभ्यता से बात करोगे तो सभ्य जवाब मिलेगा, असभ्य भाषा में बात करोगे असभ्य जवाब मिलेगा। दानिश कुरैशी
आपकी बारी में एक बार भी अनंत विजय सर ने आपको नहीं रोका टोका, आपके पेट में दर्द होगा, आपको एक बार भी नहीं टोका बीच में दानिश भाई। अनंत विजय सर बोले अपनी बात कंप्लीट करें। विपक्ष के हाथ दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में बहराइच के दंगे में जिस प्रकार से रामगोपाल मिश्र की हत्या हुई उसके बाद से विपक्ष के हाथ में कोई सूत्र नहीं लग रहा था। सुरेश्वर सिंह ने अर्पित श्रीवास्तव के खिलाफ केस करवाकर एक विपक्ष के हाथ में एक ऐसा तीर दे दिया है जिस पर बगैर लक्ष्य को देखे विपक्षी तीर चलाते रहेंगे और ये घटना बहुत मतलब इस बात को तो आप भी मान रहे हैं ना अनंत विजय सर कि ठीक बाय इलेक्शन के समय बीजेपी पर यह मामला बैकफायर करेगा। प्रत्युष कर सकता है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि यह मामला बैकफायर कर सकता है क्योंकि इको चैंबर में बैठे हुए लोग इस घटना को दंगा के बाद की स्थिति से नहीं जोड़ेंगे, उसको पहले से लग जोड़ लेंगे, ये बताना बहुत आवश्यक है। मैं नवीन दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। नवीन दुबे जी ठीक है, बीजेपी के विधायक ने FIR दर्ज करा लिया है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई अब तक क्या एक्शन हुआ नहीं हुआ, लेकिन यह घटना है मृतक के शव को रखा गया उसके बाद की घटना है, पहले की घटना नहीं है, उसके बाद जो बवाल और हिंसा हुआ उस पर यह FIR है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में हिंसा हुई, आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी हुई जिसने विवादित पोस्ट किया था, बरेली में हिंसा हुई वहां पर भी कई लोगों पर FIR हुई, कार्रवाई की गई, क्या वो भी राजनीतिक साजिश थी? प्रत्युष जी इस घटना के अंदर बहुत तह में जाएं हम लोग तो एक चीज दिखाई देती है कि देखिए जिस दिन माता का विसर्जन यात्रा निकल रही थी उस समय तक कोई दंगा नहीं हुआ था, राम गोपाल मिश्रा की जिस समय गोली मारकर हत्या की गई वहां तक कोई दंगा नहीं था, उनकी मृत शरीर को लेकर जब अस्पताल ले जाया गया वहां से घटनाक्रम दंगे का शुरू हुआ, या तो अर्पित श्रीवास्तव भीड़ को भड़का रहे होंगे, उकसा रहे होंगे, हो सकता है विधायक ने रोकने की कोशिश की हो कि भाई आप दंगा मत भड़काइए, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश नजर आती है जिसके शायद विधायक जी अनभिज्ञ रहे होंगे। अल्टीमेटली उन पर जब पथराव हुआ है और उसके बाद तत्काल वो दंगा भड़का है जिसमें तमाम लोगों के घर और दुकानें जलाए गए हैं, जो दंगा असलियत में अगर हुआ है तो राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद हुआ। अब स्थिति यह है, दो चीजें आती हैं राजनीति में, अक्सर ऐसा होता है कि अगर नुकसान ज्यादा दिखाई दे रहा है तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अपने ही आदमी के खिलाफ FIR करा दो, थोड़े दिनों के बाद ये मामला रफा दफा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन एक सवाल तो फिर ये भी है कि 13 तारीख की घटना और 5 दिन के बाद FIR क्यों, जब उनको लाइफ थ्रेटनिंग थी, जान से मारने की धमकी, मारने की कोशिश की जा रही थी, भीड़ इतनी उग रही थी, 5 दिन वेट क्यों किए विधायक साहब? नहीं, एक दिन तो देखिए उसमें चला गया होगा उनका जो जिस तरीके का दंगा था, शांति थी, पुलिस ऑलरेडी उसमें 2 दिन लगी रही है, स्वीकार करना। देखिए चोर को ना हर कोई चोर नजर आता है, कहना नहीं चाहिए, बहुत दुख के साथ ये बात कहने जा रहा हूँ, बहुत दुख के साथ। हमने अपने देश के 2-2 प्रधानमंत्री को खोए हैं, क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के इंदिरा गांधी की हत्या करा दी और कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के सारे सिखों की हत्या कराई, क्या कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या कराई, क्या कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के 26/11 की घटना कराई कि हिंदुओं को आतंकवादी चलाइए, का बयान जैसा प्रणब मुखर्जी, क्या कांग्रेस के लोग इतने घिनौने चाल चरित्र और चेहरे के हो गए हैं? कांग्रेस के ऊपर तो बड़े बड़े किताबों में आरोप लगा है कि कांग्रेस ने अपने राष्ट्रवादी लोगों की इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो नई FIR दर्ज कराई है, पुलिस के संज्ञान में है, अब देखना है कि इस पर एक्शन कब होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। Zee News।